सनातन धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक होली का पर्व माना जाता है। फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। इसके अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। होली को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। रंगों वाली होली के दिन हर कोई गीले शिकवे को भूलकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई देते हैं। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन की जाती है। इसकी तैयारी ग्रामीण अंचल में लगभग महीने भर पहले शुरू कर दी जाती है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में लोग सूखी टहनी पत्ते जुटाने लग जाते हैं। फिर फाल्गुन की पूर्णिमा तिथि की शाम पर प्रथा परंपरा के साथ होलिका दहन की जाती है। इसके अलावा होलिका दहन के बाद उसी अंगार में ग्रामीण अंचल में लोग चलते भी हैं। होलिका दहन के बाद उस राख का विशेष महत्व माना जाता है। ग्रामीण अंचल में इसे सहेज कर रखा जाता है। पंडित मनोज शुक्ला के अनुसार होलिका दहन के ठीक दूसरे दिन धुलंडी मनाई जाती है और जो राख रहता है उसे घर में ले जा कर के घर में छिड़काव किया जाता है। और होलिका दहन के बाद इस राख का क्या महत्व है, इसका क्या क्या उपयोग है, इसको लेकर पंडित मनोज शुक्ला ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ठीक दूसरे दिन का पर्व कहलाता है धुलेंडी या रंगोत्सव, बसंत उत्सव भी बोली जाती है। तो होलिका दहन के बाद जो दूसरे दिन राख जो बसती है होलिका दहन की, उनको हमारे बड़े बुजुर्गों के बताए अनुसार लोग अपने घर में ले जाते हैं, धूली वंदन करते हैं, प्रणाम करके अपने घर में ले जाते हैं। कोई उनको लगा करके उपटन करके स्नान करता है, कोई अपने घर में छिड़कता है। इस सब का तात्पर्य यह है कि हमारे घर में किसी तरह की रोगाणु जीवाणु कीटाणु न पनपे। चूँकि यह एक ऋतु परिवर्तन का समय रहता है और ऋतु परिवर्तन के समय में तरह तरह की बैक्टीरिया जीवाणु वायुमंडल में उत्पन्न हो जाती है, जो कि होलिका दहन करने से जो बचे रहते हैं वो दूसरे दिन और आक्रमण न करें, इसलिए जो है अपने घर में ये होलिका की राख को ले जा करके छिड़कते हैं। यही उसका मुख्य कारण है।